जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हमने आपको कल बताया था कि आनंद मोहन जी को हम फिर लेके आएंगे और आज झारखंड विधानसभा में क्या क्या गतिविधियाँ हुई, किस नेता ने क्या कहा और उसका असर क्या क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आनंद मोहन जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आनंद मोहन जी, आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दिन भर सदन में आज क्या क्या हुई, कैसे सदन की शुरुआत हुई और आज असल में होना क्या था और क्या क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताएं। कल राज्यपाल का अभिभाषण था। वो राज्यपाल जो हैं सो सरकार के दस्तावेज को पढ़ते हैं कि सरकार क्या क्या योजनाएं लाई है, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही है। और कल राज्यपाल ने वो सरकारी दस्तावेज कहें पढ़ा। आज उस पर वाद विवाद था, चर्चा थी। तो चर्चा में सत्ता पक्ष धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आता है और आज स्टीफन मरांडी सत्ता पक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आए राज्यपाल को थैंक्स करने के लिए। नोट ऑफ थैंक्स जो होता है वो होना था। उसमें विपक्ष उस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध कर रहा, लेकिन ये पूरे मुझे लगता है कि मैंने जो देखा अभी तक विधानसभा उसमें पहली बार था कि राज्यपाल को थैंक्स नोट के साथ सत्ता पक्ष ने ही अपने राज्यपाल को जो उनकी भी उपलब्धियां बताने आए थे उनको निशाने पर रखा, राजभवन की गतिविधियों पर सवाल उठाया। तो आज विधानसभा के अंदर राजभवन पूरी तरह से सवालों के घेरे में था, सत्ता पक्ष की ओर से ही। अमूमन जिसको थैंक्स करना था जिसके कस्टोडियन है, हाँ कस्टोडियन तो पूरे राज्य के हैं वो, लेकिन ये मामला था कि भाई जो सरकार की उपलब्धियां राज्यपाल ने बताया और जिसके लिए धन्यवाद देना था, वो धन्यवाद की एक प्रक्रिया हो रही थी लेकिन राज्यपाल पर सवाल थे। और वो तलखी इसलिए थी सत्ता पक्ष की क्योंकि जो पिछले 31 तारीख को जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई ईडी की कार्रवाई के बाद उसको लेकर के, और आज मिजाज बहुत ही तल्ख था सदन का, बहुत गर्माहट थी। और आप एक तरह से कहें कि एक जो आज पूरा जो वाद विवाद हुआ उस पर आपको आने वाले लोकसभा चुनाव का एक पूरा जो है फ्लेवर आपको दिख रहा था कि किस तरह की चीज़ें होंगी। और बहुत ही तल्खी थी, बहुत गर्माहट थी, इतिहास के पन्ने उल्टे जा रहे थे पार्टियों के। कांग्रेस भाजपा का उलट रही थी, भाजपा कांग्रेस का उलट रही थी, एक दूसरे के संबंधों के पन्ने उल्टे जा रहे थे। कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी तीनों का गठबंधन यहाँ है सरकार, और सरकार ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। तो आज कांग्रेस के भी पन्ने उल्टे गए, भानु प्रताप शाही ने और उलट के रखा कि भाई कांग्रेस ने कब कब क्या किया, यहाँ तक कि आदिवासियों पे अत्याचार के जो बीजेपी पे आरोप लगाए गए उसका भी उन्होंने जवाब दिया, और शिबू सोरेन को कब कब जेल भेजा गया, किसने जेल भेजा, ये सारी चीज़ें हुई जी। तो और उसके बाद फिर एक चीज़ जो मेरे समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा कि पूरे सदन में चर्चा का विषय ये होना चाहिए था कि धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ चर्चा सिर्फ दो पार्टी पे होके रह गई कि एक तो बीजेपी और दूसरी कांग्रेस, यानी लोकतंत्र की बात खाली होती रही। मैंने कहा ना आपको कि ये जो विशेष सत्र था एक अलग पृष्ठभूमि लेकर के आया था, एक अलग राजनीतिक परिस्थितियों के साथ विशेष सत्र हुआ था, तो उसकी झलक तो आपको विधानसभा के अंदर दिखनी एकदम लाजमी थी, वो तो दिखना ही था। ये हुआ कि आज जो मैंने देखा उसमें मैं बताऊं कि रिमार्केबली सुदीप कुमार सोनू जेएमएम की ओर से बड़ा ही तार्किक तरीके से, जो उनका पक्ष होता है, बड़ा ही तार्किक तरीके से, बड़ा ही मर्यादित तरीके से और बहुत ही जिसको कहा जाए कि भाजपा का जो टॉक ऑफ पैटर्न होना चाहिए हाउस के अंदर, जो बात करने की और तरीके होने चाहिए, जो मिजाज होना चाहिए, जो हम लोग सुने हैं अच्छे अच्छे वक्ताओं को, तो उसमें एक सुदीप कुमार सोनू का भाषण प्रभावी था। और बीजेपी ने आज हमको लगता है कि पूरा बैटिंग करने का अवसर भानु प्रताप शाही को दिया था। भानु प्रताप शाही को ज़्यादा समय भी अलॉट था और भानु प्रताप शाही पूरे तरह से बीजेपी का एजेंडा लेकर के आए हाउस के अंदर, जो बीजेपी का अपना कोर एजेंडा है। और इन दोनों के भाषणों के बीच एक भाषण कांग्रेस के दीपिका पांडे का था जिसमें विरोध भारी हुआ, उन्होंने कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जिसको बाद में स्पीकर ने स्पंज किया, कार्रवाई से हटाया। तो तल्खियाँ दोनों की ओर से थी, गर्माहट दोनों की ओर से, निशाने पर पार्टियाँ थी। और ये आपको मैं बताऊं कि
ये पूरी जो कवायद थी उसमें स्पीकर ने जिस अलग अलग जो टाइम सबको अलॉट किया था उसमें सब सारे को बोलना था। सरजू राय ने भी आज राज्यपाल का बचाव किया, एकमात्र राज्यपाल के बचाव वो हेमंत सोरेन की पूरी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया हुई थी उस पर उन्होंने उसको साफ करने का प्रयास किया। और सरजू राय ने एक और सवाल भी खड़ा किया कि जब सरकार ही नहीं है 31 तारीख से तो 2 तारीख को कैसे ट्रांसफर हो गया, किस मंत्री ने ट्रांसफर कर दिया, किसके आदेश से ट्रांसफर होगा, ये भी एक विवाद का विषय रहा। इसका क्या असर होगा राजनीति पर? एक्चुअली हुआ ये ना कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ ट्रांसफर हुए थे जो 2 तारीख के बैकडेट का या 2 तारीख के डेट पर हैं, कल उसकी अधिसूचना निकली थी, तो उस अधिसूचना के आधार पर उन्होंने सीएम से कहा कि भाई आप अगर इन चीज़ों की अगर आपको जानकारी है ट्रांसफर पोस्टिंग की तो आप बताइए, या आपकी सहमति से हुआ ये बताइए। और 2 तारीख को बेशक यहाँ कोई सरकार नहीं थी, लेकिन इसका मुख्यमंत्री ने सदन में तो कोई जवाब नहीं दिया, इसका जवाब पर्सनली कुछ उनके सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया उन सवालों का जिसमें कहा गया कि आप हेमंत सोरेन के पार्ट 2 हैं। तो विपक्ष की ओर से बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर आप पार्ट 2 हैं तो क्या वो चीज़ें होंगी जो उनका आरोप था, जो हेमंत सोरेन, इनका कहना था कि मैं उन योजनाओं को आगे बढ़ाऊंगा जो पहले दिन से वो कह रहे हैं, जिसको हेमंत सोरेन ने लागू किया था या जो अधूरी रह गई हैं उनको, और मैं पार्ट 2 हूँ, ये उन्होंने फिर आज कहा हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन के बचाव में था सत्ता पक्ष, और आज बेसिकली हमको लगता है कि हेमंत सोरेन पर बहुत ज़्यादा अटैक नहीं हुए, हेमंत सोरेन के सरकार पर हुए हैं और सरकार की जो नाकामियाँ हैं उसको लेकर के हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि भानु इधर से लग रहा था कि मेन स्पीकर हैं प्रतिपक्ष के नेता के अलावा, तो हुआ और प्रतिपक्ष के नेता ने भी बीच में इस आज की जो कार्रवाई है ना उसमें बहुत टोका टोकी वाली कार्रवाई थी, बहुत हुई जी। इन्होंने शाही ने कहा भी कि हमारे लिए बहुत बाधाएं खड़ी की जा रही है, बहुत सारे ब्रेकर हैं मेरे भाषण में जब तक लोग खड़े हो रहे हैं, और उन्हीं के भाषण के दौरान जब टोका टाकी हुई तो जय श्री राम के नारे भी लगे, हाउस में लगे, भगवान श्री राम भी आए और पाकिस्तान का भी मुद्दा उठा, इसके बारे में विस्तार से बताइए दोस्तों। ऐसा है कि वो जब भानु प्रताप साहिब बोल रहे थे तो उन्होंने एक अपनी भाषण के शुरुआत में कहा कि ये चंपई सोरेन जो है ना, सो 22 तारीख को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, धरती पर राम आए हैं तो इसलिए ये बन गए, इनको हेमंत सोरेन नहीं बनाए हैं, इनको प्रभु श्री राम की कृपा से ये बने। तो ये चीज़ें पर सत्ता पक्ष को थोड़ा आपत्ति थी। सुदूर कुमार सोनू ने टोका कि राम घर घर में है और राम कोई आए नहीं है, राम पहले से यहाँ हैं और आप कौन होते हैं राम को लाने वाले, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं तो कहा ना कि वो जो बीजेपी का अपना जो कोर एजेंडा है उसके साथ भानु प्रताप शाही खड़े दिख रहे थे। और भानु प्रताप शाही ने 2-3 चीज़ें और बोली जिस पर हंगामा हो रहा था, कि उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों गुरु जी को जेल के अंदर रखा है, सबसे बड़ी जब कांग्रेस की चार बार वो गुरु जी जेल में गए हैं, शिबू सोरेन जेल में रहे हैं, और जो कार्यकाल है बीजेपी का उसका भी थोड़ा उन्होंने कहा कि मैथ्स और गणित आप लोग ठीक कर लीजिए, हम कितने साल रहे, 10 महीने का शायद उन्होंने कोई कैलकुलेशन बताया था। तो खैर वो तो तलखियाँ और वो सारी चीज़ें हाउस के अंदर थी, और जिसमें आप कहें कि एजेंडा सेट करने का काम आज जो है ना हाउस के अंदर दोनों पार्टियों ने किया है कि मेरा एजेंडा क्या होगा और आपका एजेंडा क्या होगा जी। इसीलिए शायद आज मुख्यमंत्री ज़्यादा कुछ नहीं बोले और सरकार का बहस की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत करने के लिए स्टीफन मरांडी को आगे किया गया और उसका जवाब देने के लिए बहस पे जवाब देने के लिए आलमगीर आलम को खड़ा किया गया, मुख्यमंत्री दोनों में कहीं नहीं थे। हाँ आलमगीर आलम ने सरकार का मुख्यमंत्री ही ये दोनों काम करते हैं। हाँ आलमगीर आलम ने दोनों वो किया। इसका क्या संदेश है? इसका कोई खास संदेश नहीं है, इसका ये हमको लगता है कि संसद के अंदर अपनी व्यवस्था है, वो सदन के नेता हैं वो, तो चंपई सोरेन तो वो उन्होंने तय किया होगा कि आज आलमगीर आलम अपना पक्ष रखेंगे, एक वो है। और चूँकि एक राहुल गांधी भी आए हुए हैं ना, तो एक उनको भी लगा कि इस हाउस से कुछ राहुल का के लिए मैसेज, कुछ कांग्रेस के लिए आलमगीर आलम का भी कुछ आगे बढ़े, नहीं राहुल के लिए भी कुछ, राहुल गांधी के लिए भी कुछ मैसेज, कांग्रेस भी कुछ अपनी बात रख ले, ये कोई स्ट्रेटेजिकल ये हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लुकआउट होगा। बात में दम इसलिए ये लग रहा है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के मुद्दे पे बड़ी जोर से बहुत देर तक उन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया, राहुल गांधी के बारे में बताया, और वो जो है उठली हाथों नहीं गए उस मामले का भी क्लेरिफिकेशन होती है, क्लेरिफिकेशन उन्होंने किया और प्रधानमंत्री को इसमें लपेटने की कोशिश की कि वो जब आए थे तो सरना कोर्ट की उम्मीद कर रहे थे लोग, लेकिन लोगों को नहीं मिली, तो आपको सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। पर एक और थोड़ा सा, क्योंकि कई बार
सदन में बड़ा हल्का फुल्का माहौल भी हुआ। एक बार स्पीकर ने तो यहाँ तक कहा कि इस आसन जो है असहाय है, आसन मजबूर है, क्या था वो जो वो प्रकरण ये था ना कि जब किसी वक्ता को कहा गया कि अब आपकी बारी, आप बोलें पक्ष के हों या विपक्ष हों, तो उस बीच में टोका टाकी बहुत हो रही थी। उस बीच में लोग कुछ सूचनाएं लेके उठ रहे थे, जैसे ढुलू महतो एक सूचना लेके उठे जहां पर उन्होंने जो बातें कही उसको भी स्पंज कराया स्पीकर ने कि आप सीबीआई जांच करा लीजिए कोयला चोरी का और इनका, कितने हजार आदिवासी मरे होंगे, मुझ पर मुकदमा आप लाते हैं। तो आज तो चर्चा का विषय था, स्पीकर के लिए असहजता ये हो रही थी कि आप जिन मुद्दों पर बात करने के लिए आए हैं, जो आपका आज कार्य दिवस है, जिन चीज़ों के लिए, उस पर बात करें, उनसे भटके नहीं। इस ये थोड़ी बहुत जो थी उसको लेकर के असहज थे। तो आज पूरा सदन इस मामले में भटका हुआ ही था करीब करीब। कोई भी सीधे तौर पे जिन बिंदुओं को उठाया था, जो बातें पढ़ी गई थी अभिभाषण में, उन विषयों पर चर्चा नहीं हुई ज़्यादा, इधर उधर भटकते रहे। और सरयू राय ने बाकायदा सदन में इस बात को रखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह अभिभाषण पे चर्चा हो रही है या फिर किसी और चीज़ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इरफान अंसारी का भी प्रकरण बड़ा मज़ेदार था। तो अगर आप लोग झारखंड विधानसभा टीवी को देखेंगे तो कुछ देर अगर एंटरटेन करना चाहें तो आप उनका भाषण वाला पार्ट देख सकते हैं। हाँ, तो आनंद मोहन जी, कल आपने बताया ही था कि मंत्रिमंडल को लेकर थोड़ी सी चुनौतियां सरकार के पास होंगी, क्या मंत्रिमंडल गठन की तैयारी शुरू हुई है? 7 तारीख तक करना है इनको मंत्रिमंडल का गठन, जैसा कल कल ही है। तो चंपई सोरेन ने कल बताया भी था इसको लेकर के कि 7 तक हम लोग कर देंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था, कल भी कहा था कि बजट सत्र है तो उससे पहले इनको करना है, मंत्रिमंडल बन जाएगा। और एक चुनौती तो हर नई सरकार के लिए मंत्रिमंडल बांटना होता ही है बेशक। तो आपने सुना आज दिन भर झारखंड विधानसभा में क्या क्या चीज़ें हुई। 2 दिन का विशेष सत्र समाप्त हो गया। अब सरकार के सामने एक नई चुनौती है और वो है मंत्रिमंडल गठन की। ऐसी चर्चा है कि कल तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। अब आप देखते रहिए प्रभात खबर को, पढ़ते रहिए प्रभातखबर.com और हमारे सोशल साइट्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करते रहें, ताकि आपको झारखंड से जुड़ी हुई हर खबर, झारखंड विधानसभा से जुड़ी हुई हर खबर आप सबसे पहले देख सकें और सबसे पहले पढ़ सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।